नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज मैं वॉवेल्स का पार्ट टू बताने वाला हूँ। पार्ट वन में मैंने हैवी डॉट के बारे में बताया था। अगर आपने पार्ट वन हैवी डॉट का वीडियो नहीं देखा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन हैवी डॉट का वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यदि आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको वॉवेल्स से संबंधित हर बात अच्छे से समझ में आएगी। वॉवेल्स के पार्ट टू में मैं हैवी डैश के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव रीड अबाउट हैवी डॉट एंड देयर पॉइंट्स एंड प्लेसेस। हम इसके पॉइंट और प्लेसेस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इन द सेम वे, उसी तरह से, देयर आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रोक क्लोज टू विच ए वॉवेल साइन मे बी placed, namely at the beginning, the middle and the end. The vowels are accordingly called first place, second place and third place vowels respectively. The places of the vowels are counted from the points where the stroke begin, जहाँ से शुरू होता है। In the case of down stroke, therefore the vowel places are counted from the top डाउनवर्ड्स, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ ऊपर से जब शुरू हो रहा है तो ऊपर से नीचे को आ रहा है, और इसका फर्स्ट प्लेस जो माना जाएगा वो जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहीं पर इसका फर्स्ट प्लेस माना जाएगा, और सेकंड प्लेस बीच में और थर्ड प्लेस लास्ट में। इन द केस ऑफ अपस्ट्रोक द वॉवेल प्लेसेज आर काउंटेड फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड। बॉटम यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहा है तो यहाँ का फर्स्ट प्लेस नीचे और सेकेंड प्लेस बीच में और थर्ड प्लेस लास्ट में माना जाएगा, इसी तरह आर में, इसी तरह डब्ल्यू में। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल द वॉवेल्स प्लेसेस आर काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जहाँ से शुरू हो रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट को जा रहा है ये, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस सबसे पहले, फिर सेकंड प्लेस और उसके बाद थर्ड प्लेस लास्ट में, इसी तरह एम में और इसी तरह एन में। द वॉवेल साइंस आर पुट इन द प्लेसेस विच कॉरस्पॉन्ड विद देयर नंबर्स। ए हैवी डैश इन द फर्स्ट प्लेस रिप्रेजेंट द लॉन्ग वॉवेल ओ, इन द सेकेंड प्लेस इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग वॉवेल ओ, इन द थर्ड प्लेस इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग वॉवेल ऊ। फर्स्ट प्लेस पर हैवी डैश लगाने पर इसको हम पढ़ेंगे ओ, और सेकेंड प्लेस पर हैवी डैश लगाने पर इसको पढ़ेंगे ओ, और थर्ड प्लेस पर हैवी डैश लगाने पर ऊ पढ़ा जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हेन ए वॉवेल साइन इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अपस्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक इट इज रीड आफ्टर द स्ट्रोक। जब स्ट्रोक की हम राइट हैंड साइड पर हैवी डैश यूज करेंगे, उसको लगाएंगे, तो उसको हम स्ट्रोक के बाद में पढ़ेंगे। ए हैवी डैश इन द फर्स्ट प्लेस रिप्रेजेंट द लॉन्ग वॉवेल ओ, फर्स्ट प्लेस पर जब हम हैवी डैश लगाएंगे तो उसको हम ओ से पढ़ेंगे, जैसे पो, पो में पी बनाएंगे, और ओ की वॉवेल्स के लिए, क्योंकि ओ का स्वर आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर राइट हैंड साइड पर हैवी डैश लगाएंगे, मोटा डैश, डार्क डैश, हैवी, इसको हम पढ़ेंगे पो, ऐसे पॉल तो पी बनाएंगे और एल बनाएंगे, और पॉ पी पर जो स्वर आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है ओ, तो इसके लिए हम हैवी डैश लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर पी के राइट हैंड साइड पर, और इसको हम पी के बाद में पढ़ेंगे, यानी कि पॉ और उसके बाद ला एल पढ़ेंगे पॉल, जैसे टॉल तो टी बनाएंगे और एल बनाएंगे, और टॉल टी के बाद स्वर आ रहा है, वॉवेल आ रहा है ओ, तो इसको हम फर्स्ट प्लेस पर हैवी डैश लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे टॉ फिर ला टॉल, जैसे चौक तो चौक के लिए सी एच और के, और चौक में ओ की आवाज़ आ रही है, ओ का स्वर आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पर हम हैवी डैश लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे चौक। इन द सेकंड प्लेस इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग वॉवेल ओ, अगर सेकंड प्लेस पर जो हम हैवी डैश लगाएंगे तो ओ सूचित करता है ये,
तो यहाँ पर जैसे लिखा हमने डोर, डी बनाएंगे और आर बनाएंगे, और डो क्योंकि ओ की आवाज आ रही है, ओ का स्वर आ रहा है, तो सेकंड प्लेस पर हैवी डैश लगाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे डो र, ऐसे डोम, तो डी बनाएंगे और एम बनाएंगे, और डो क्योंकि ओ की आवाज आ रही है, ओ का स्वर आ रहा है, तो सेकंड प्लेस पर हम हैवी डैश लगाएंगे और पढ़ेंगे डोम। शोर, तो एस एच और आर, और सेकंड प्लेस पर ओ के स्वर के लिए हैवी डैश और इसको पढ़ेंगे शोर। बोर, बी बनाएंगे और आर बनाएंगे, और सेकंड प्लेस पर ओ के स्वर के लिए हैवी डैश लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे बोर। इन द थर्ड प्लेस इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग वोवेल ऊ से च्यू सी एच, और थर्ड प्लेस पर हैवी डैश इसको चू। शू, एस एच, और थर्ड प्लेस पर हैवी डैश इसको बोलेंगे शू। रू, आर, और थर्ड प्लेस पर राइट हैंड साइड पर हैवी डैश लगाएंगे और इसको बोलेंगे रू। बू, थर्ड प्लेस पर हैवी डैश ऊ के स्वर के लिए इसको बोलेंगे वो। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।